ऐसा है, तुम दोनों मिले हो मुझे गेम के अंदर, मार मार के तुम दोनों के मैंने कपड़े ना फाड़ दिया, फिर बताना मुझे बोटो के खानदान। चलो मिलते हैं। तो भाई लोग कैसे हो आपका भाई, हम करिए फिर से आज एक नया धमाकेदार चमचमाते हुए वीडियो के साथ। आज हम खेलने वाले सोलो वीसी झुंड, जिसमें आप सब लोगों को पता है कि एक अकेला निहत्ता बच्चा होता है जो कि मैं, और चार खूंखार बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं वो, चार खूंखार अंकल होते हैं, देख मासूम से छोटे बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। तो हम जाएंगे रिफ्ट पे, रिफ्ट पे पता है ना कि कितने सारे बंदे आते हैं, देखना यहाँ पे मैं 10 12 15 16 17 18 बंदे तो मार ही दूंगा, देख लेना। आने दो, आओ। और ये हम पहुँच गए टेरी खोपड़े के साथ। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर डरा हुआ होता हूँ कि मेरे हाथ में मुझे जो भी मिल जाए, देख रो कैसे कवर ले लेके मैं बंदूकें उठा रहा हूँ। फिर ये वाला लूटने गया तो इसके ऊपर ही चढ़ गया, मैं इतना ज़्यादा डर गया था असल में। फिर मुझे पता चला कि यार बंदे नहीं आए, सब डर के भाग गए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, कि मुझे नहीं पता था मुझसे इतना क्यों डरते हैं लोग। अब कुछ लोग डरते तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो वहाँ पे तो मुझे बंदे मिला नहीं, तो मैं चल जाता हूँ आगे बंदे ढूंढने के लिए कि असल में कहाँ पे। तो मुझे आप लोगों को पता है ना बॉट अंकलों के साथ कितना ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक बॉट अंकल ना ऐसे ऐसे जा रहा था, वो देखो नीचे कैसे रिंग रिंग के जा रहा है। तो मैं बहुत ही प्यार से लैंड कराता हूँ क्योंकि मुझे बहुत दूर का सफ़र भी तय करना है, तो मैं यहीं पर कूद जाता हूँ बगल वाले आंटी के घर पर। तो आओ आओ, ये लो प्रसादी, ले लो ले लो, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक अंकल को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वो ये गाड़ी वाला अंकल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, अरे कचरा लेते जाओ अंकल। अरे फिर मुझे नज़र आया कि वो हमारा अंकल किसी ने किसी को नॉक किया है, तो हमने फ्री का की ले लिया। अब अंकल को गुस्सा आ गया, उनको ना बहुत तेज़ खुजली होने लगी, दांत खुजली मिटाई सिर्फ 2 रुपये में, मैं फ्री में इनका खुजली मिटाने वाला हूँ। तो अंकल को मैंने मैसेज कर दिया यहाँ से कि अंकल जी ये लो, आओ आओ मैं आपका खुजली मिटाता हूँ, किसी को नहीं बताऊँगा, आ जाओ। तो अंकल जी आ गए। रुको अंकल, अरे बॉट अंकल रुक जाओ, ये गाड़ी से उतर गए, वहाँ से आप एम ले रहे मुझे, अरे मैंने तो नॉक कर दिया। रुको अंकल जी, मैं खुजली मिटा के आता हूँ, अब रुको, वो हिलना नहीं हिलना नहीं, मैं ना चुपचाप आपका खुजली मिटाऊँगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगा, अब रुको आता हूँ। कहाँ पे अंकल? अच्छा आप यहाँ पे, ओहो छुप रहे, कर लो मैं अभी छुप जाता हूँ, हम दोनों ना किसको बताएंगे नहीं, ये लो मिटा दिया खुजली मैंने, खुश हो ना अंकल? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब्सक्राइब कर देना बस, ठीक है अंकल जी, थैंक यू थैंक यू। तो हम आते हैं फिर से दूसरी जगह पे ड्रॉप लूटने के बाद। तो यहाँ पे भी हमें 2-4 बॉट अंकल दिखते हैं आपस में लड़ते हुए, वो बोलते हैं कि मैं बॉट हूँ तो क्या हुआ, मैं तो प्रो हूँ। दूसरा वाला बॉट भी बोलता है कि मैं भी प्रो हूँ, तो वो लोग आजमा रहे थे असल में। तो मैंने सोचा कि इसी बात का मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, मैं भी बताता हूँ कि मैं भी प्रो। अरे धक्का क्यों देता है साला, मेरा बिल मेरे को, मैं आऊँ, ये देखो ये फ्री का किल, और ये बॉट भैया आगे गए, ये किल ले गया, वो देखो भाई मतलब इतना तेज मारते ये लोग। रुको तुमको, ये बॉट अंकल कहाँ जा रहे, ये चप्पल टूट गई, ये फिर से चप्पल में मारूंगा, चप्पल टूट जाएगी इसकी, रुक जाओ, ये चप्पल खोपड़ी में मारो, खोपड़ी में खोपड़ी में, हाँ ये हुई ना बात। अरे अरे यार ये मुझे बहुत दुख होता है मेरे सामने कोई ऐसे रेंगता है ना। तो असल में क्या होता है कि इन लोगों ने क्या क्या चुराया ये आंटी के घर से, तो मैं देखने के लिए आता हूँ पेटी में क्या क्या है। तो पता चलता है एक बॉट को बहुत ज़्यादा, एक बॉट अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बदला लेने आते कि बाकी बॉट भाई को क्यों मारा, ये आगे बदला लेने, मुझे पता था ये बदला लेने आएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चॉपर उठाया और मैं चला गया। तो मैं यहाँ से चल ही रहा था तो पता चलता है यहाँ पर रियल बंदे भी है, तो मैं इसका पीछा करता हुआ, ये इतना ज़्यादा चालू है कि ये मेरे मतलब मैं इसके पीछे पीछे वो आगे आ गया और मुझे गुंडों के बीच में फंसा देता है। यहाँ पर कितने सारे गुंडे होते हैं, और मेरे मन में ना लालच आ गया कि मैं इन गुंडों के बीच में रह के ना इनको एक दो मारता हूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडे होंगे, मैंने गलती से यहाँ पर लैंड किया, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ देखो बंदे, देख रहे हो मेरे को कितना मार रहे, मैं यहाँ पर लेट जाता तो ऊपर से पुचुक पुचुक मारते, ये स्नाइप मार दी। मैं अपना बचा के भागता हो कि मुझे ये मारना दे, बहुत गलत बात है, बिल्कुल टांग में मारी निशाना लगा के, टांग के जो मेरे चप्पल होता है ना वो लंबी सी वो टूट गई, ऐसे कौन मारता है भाई, टांग में नहीं मारना चाहिए ना, खोपड़ी में मारो ना, हेडशॉट मारो, क्यों कौन सा डालो था वो पट से हेडशॉट वो मारा करो ना, चटैक से चप्पल शॉट ये कौन मारता है, ये गलत बात है, अभी रुको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बंदे रुक जाओ दिखा ये, अरे भैया तुम ही लो प्रसाद, आपका दोस्त तो भाग गया, ये क्या शीशा लगाया आगे, ये लो
फेफड़ा तोड़ दिया मैंने। बड़ा बड़ा आवाज़ कितना मीठा लगता है ना जब कट करके आवाज़ आती है। तो वो बंदा तो पीछे पीछे चल गया। फिर मैं ढूंढ रहा हूँ असल में कहाँ है, तो पता चलता है बगल वाला अंकल के खिड़की में कोई रेंग रहा होता है वहाँ पे। देखो बिल्ली बना हुआ है, मैं उसे चूहा बना देता हूँ। लो भैया फ्री का किल मिल गया मुझे। अब इन दोनों को गुस्सा आ गया कि इनका किल कौन ले गया। अरे यहाँ से मैं फायर कर रहा हूँ तो ये देख रहा कैसे शीशा। लो भाई तुम ही लो फिर से फिर से मैंने उसको चोट दिया, फिर से वो छुप जाता है। तो ये अंकल चौरे में आ जाते हैं, मेरे दोस्त को किसने मारा? मैंने बोला तेरे दोस्त को नहीं, मैं तुझे भी मारूंगा। लो मैंने मार दिया। तो मुझे किसी ने देख लिया यहाँ पे ना, मुझे स्नाइप करता है वो बंदा। असल में मैंने नोटिस बाद में किया। फिर एक बॉट नीचे होता है, बॉट अंकल को मारना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किल लेना भी, और ऊपर से कोई मेरे को स्नाइप कर रहा था, डर भी लग रहा था। तो मैं क्या करूँ, ये देख रहे हो ना यहाँ पे मैंने नोटिस, ये देख रहे हो ये चमचमा रहा है कैसे, थर्माइड वाला वो कर रहा है पटापट पटापट। तो बॉट अंकल कहाँ हुआ ये देखो, डर के भाग गया ये अंदर, देख रहे हो। ए अंकल जी, अंकल जी, नहीं 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 नहीं, चित बिल्कुल चित, ख़त्म, खलास, टाटा, बाय बाय। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं असल में, तो मुझे थोड़ा सा रिवाइव रिवाइव भी करना होता है, मेरा मतलब कि मुझे जरसा एच पी बढ़ाना होता है। मेरे कपड़े फट गए तो उनको सिलना भी पड़ेगा, तो मैं जरसा एड्रिल वगैरह लगाता हूँ। और आसपास मेरा, मैं इतनी दूर से अपना चॉपर लेके आया था, वो देख रहे हो कैसे उड़ रहा है, कोई लेने वाला चुराने वाले चोरी कर लिए, तो मुझे गुस्सा आता है। अब चोर को तो पकड़ना पड़ेगा, यहाँ कोई तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। अभी यहाँ से मैं जाता, उससे पहले मुझे संजना मिल जाती है। संजना गुस्सा मत होना ठीक है, अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैंने बहुत ही प्यार से आपको गोली मारूंगा, टेंशन मत लो। मुझे दुख है इस बात का, मैंने आधी दिन तक खाना नहीं खाया आपको गोली मारने के बाद। अभी ये पब्लिक सोच रही होगी कि ये संजना कौन है, अभी रुको बताता हूँ संजना कौन है। ये मैं ऊपर आया तो मेरे पीछे पीछे मुझे देख के एक बॉट भी आने लगा, वो सोच रहा था कि वो भी निंजा के जैसे ऊपर उड़ के आएगा। ये आने वाला, वो आया बॉट अंकल, रुको रुको रुको, ये तो पहली फुर्सत में चले गए। ओ तो ये गोली की आवाज़ आई तो सन्ना बोला मैं, संजना पीछे से आ रही थी असल में वो मुझे मारने के लिए। ये अंकल क्या कर रहे हैं आप, भाग गए? अरे अरे मैं भूल गया, मैं क्या कह रहा था, संजना की बात। तो संजना अभी रुको, मैं आपको अभी देता हूँ, पब्लिक को बताना जरूरी है असल में संजना कौन है। तो मैं यहाँ से जा ही रहा होता हूँ तो मेरा 2 रुपये का जो माइंड है वो बोलता है कि यहाँ पे ना कोई बंदा, मुझे आवाज़ आती है खुचुर खुचुर करके, मैं एम ले लेता हूँ। ख़त्म, देखो नाम है इसका संजना, देखा मैं इसी के बात कर रहा था। संजना बुरा मत मानना, मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गोली मारा है, देख के बिल्कुल खोपड़ी में लगा है, चप्पल टूट गई होगी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ का काम निपटाने के बाद हम जा रहे थे जरसा ड्रॉप लूटने के लिए, क्योंकि हमारे पास आर्टिक नहीं था, ये स्नाइपर उतना कुछ खास नहीं है, इनको जितना भी मारो बंदे मरते नहीं, तो हमें आर्टिक चाहिए था। तो यहाँ पे पता चला कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है, हमने ब्रेक, चलती हुई गाड़ी से कूद गए और अंकल को मारते हुए बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो कोई बात नहीं, हम फिर से हम अपने ऑडी में बैठ जाते जरसा, हम जरसा एंट्री लगा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कोई हमें पट से हेडशॉट ना मार दे। तो सामने जो ड्रॉप गिरा था आपने अभी देखा, जो लाल लाल धुआं निकल रहा, हमें वहाँ पे जाना है असल में। तो हम बैठ जाते फिर से अपने ऑडी में, हमें वहीं पे स्नाइपर मिलने वाला है और वहाँ पे भी बंदे होते हैं तो हमें डर लगता है। तो सबसे पहले तो हम आर्टिक ले लेते, क्योंकि उसके बिना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा गेम में, बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो हम आ चुके आराम से ब्रेक मारते हुए और मिल जा, इसमें है आर्टिक, वाओ। और मेन चीज़ अगर आप आर्टिक यूज़ कर रहे हो तो ये जो साइलेंट मोड है वो उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप बंदे को आगे से मारो या पीछे से उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला। तो हमको जो चाहिए था वो हमने ले लिया। तो असल में हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें दिखा एक बॉट अंकल, ये देख रहे रेड है, तो हम यहाँ पर उतर गए। तो ये जो राइट वाला बंदा था इसको हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ये मैं इसको मारने में इतना ज़्यादा बिजी था, फिर इसको मारना छोड़ के यहाँ पे मैं देख रहा है बैठ बैठ के, देख रहे हो कौन सा डांस करते हुए जा रहा था, भांगड़ा डांस, कि हम तो बैठ के जाएंगे हमें कोई मार नहीं सकता। ये क्यों मार रहा है मुझे, इसको मैंने छोड़ दिया, अभी देखो सामने वाले को छोड़ दिया तो ये मुझे मारने लगा, मेरी बिल्ली मुझे क्यों मैं। और अभी पता चला कि जो मेरा राइट वाला बंदा था उसने कुत्ता छोड़ा है, अब देख रहे हो ढका भाव भाव ढका भाव 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 ऐसा करते हुए आ रहा है। अरे 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 जल्दी से बैठ जाता हूँ मैं इसके अंदर, कितना खूंखार कुत्ता है ये, तो अभी पंचर कर देता मैं गाड़ी नहीं हटाता तो, टायर का पंचर ही कर देता, फिर तो दिक्कत हो जाती, हम आगे कैसे जाते, ये गलत बात है, ऐसा कुत्ता नहीं पालना चाहिए। तो वो बंदा मुझे डरा डरा के खुद भाग जाता, मैं यहाँ पे अकेला रह जाता हूँ, भाग गया डरपोक, अपना कुत्ता लेके भाग गया साथ में।
एडी लगाता हूँ, असल में वो देख रहे हो जा रहा है मेरे लेफ्ट साइड से, तो मैं अपना गाड़ी नहीं छोड़ता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा ऑडी है, मैंने ख़रीदा है, थोड़ा सा महंगा है, आप लोग भी ख़रीद सकते हो, कोई दिक्कत, मुझसे जलना मत, आप लोग भी ख़रीद लो, ब्लैक कलर की मिल जाएगी। तो हम गाड़ी यहाँ से लेके जाते हैं, असल में उस बंदे ने हमको देख लिया, वो मारने की पूरी कोशिश करेगा हमको। तो मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, उसने एम ले रखा था, जब तक मैं उसे ढूंढ रहा था उसने एम ले रखा था, उसने मारा नहीं, जैसे मैं हटता हूँ बिना देखे मारने की कोशिश करता है और वो चूक जाता है, देख लो अंधा बंदा है। तो असल में हमें ये देख लो कैसे मार रहा है बिना देखे बंदा, टकाटक, तो हमें बंदा दिख जाता है, ये बंदा यहाँ से जा कर रहा है। चलो इसका काम ख़त्म, हम नज़दीक जाके मारेंगे ना हालचाल पूछते हुए, अभी भैया का हालचाल पूछ के आते हैं। चलो 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 चलो, कोई दिक्कत वाली तो यहाँ पे होते और स्नाइपर वाले भाई सब बहुत ज़्यादा, मैं गाड़ी लेके आता अपना ऑडियो से दिख जाता है। ये ख़त्म, लूट अच्छी थी, ये मारा मुझे एक, ये देखो मुझे एक और मारता तो मैं गायब हो जाता बिल्कुल, मैं बच गया। तो मैं फिर से थोड़ा सा आगे अपना थोबड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर से मारते ये लोग, एम ले रखे, ये देख रहे हो कितने हरामी लोग है। अभी रुको जरा सा मैं प्लास्टिक चला लूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुको, कौन मार रहा था नाम बताओ आप जरा सा, जानते नहीं हो कि मैं छोटे से बच्चे पे इतना अत्याचार करते तुम, ये दिखा रहा थोबड़ा, पट से कनपट्टा शर्ट। चलो अब इसका जो दूसरा बाबू सोना होता है वो असल में बॉट मारने में इतना बिजी है कि उसको रिवाइव ही नहीं दिया अपने पार्टनर को, ये देख रहे हो, ये लो ख़त्म। तो यहाँ पे असल में ना मैं थोड़ा सा मस्ती करने वाला था, एक बंदा होता जिसको वो लोग मार रहे होते उसे मैं मारता हूँ असल में। ये एडी लगा रहा, ये डाउन, ये आया, चलो वो असल में नकली बंदा था, असली बंदा तो कोई और ही है, अभी दिखाता हूँ, ये मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, यहाँ पे मैं जरा सा लेटने की कोशिश करता हूँ तो ये लेट नहीं पाया, खड़ा हो गया, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि इसे मारूँ या ना मारूँ, वेट करूँ क्या पता, अगर वो मेन चीज जिसे रिवाइव देना था वो बंदा पीछे जा चुका था तो मुझे इसे मारना पड़ा, अगर रिवाइव इसी बगल में देता तो अच्छा होता, मैं जरा मस्ती करता उसके साथ। तो आज की वीडियो में इतना था, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल, और विनर विनर ढोकना डिलीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट कर देना, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग, ठीक है, बाकी लव यू ऑल, बाय।